आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वीबीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में एक फॉर्म सीट फॉर्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने लास्ट क्लासेस में रेंज के बारे में जाना था, किस तरीके से हम एक सेल पे डेटा टाइप करते हैं, किस तरह से कर्सर को मूव करते हैं, ये हमारी लास्ट क्लास की टॉपिक थी। और चलिए इस क्लासेस में हम आपके साथ एक सीट फॉर्म पे डिस्कस करते हैं। मैं एक छोटा सा फॉर्म बनाऊंगा ताकि आपको समझ में आए, फिर उस एग्जांपल को लेके एक कॉम्प्लिकेटेड एक फॉर्म जो होता है रियल फॉर्म, जैसे कि पैन कार्ड हो गया, डीएल का हो गया, आपके ऑफिस के जो ज्वाइनिंग फॉर्म्स हो गए, गूगल की जो अकाउंट क्रिएशन फॉर्म हो गई, ऐसे फॉर्म कुछ बनाइएगा। मैं सिर्फ आपको मेथड समझा देता हूं। तो मेरे पास दो है, एक हमारे पास सीट है, एक है फॉर्म, दूसरा है डेटा। डेटा सीट को मैं हाइड रखना चाहता हूं, तो मुझे डेटा सीट पे चाहिए आईडी, कि एक यूनिक आईडी ऑटोमेटिक जनरेट हो, नेम नहीं, आईडी के बाद होना चाहिए डेट, डेट के बाद होना चाहिए टाइम, उसके बाद नेम, सिटी, अमाउंट, और भी चीजें हो सकती है, फिलहाल इतना ही। तो जो ये तीन सीट है ये ऑटोमेटिक आना चाहिए सिस्टम, एक आईडी ऑटोमेटिक जनरेट होनी चाहिए, सिस्टम का डेट और सिस्टम का टाइम ऑटोमेटिक आना चाहिए, नेम सिटी अमाउंट जो है ये हमारे फॉर्म शीट से आएगा। यहाँ पे मैं नेम कर देता हूं, यहां पे हम सिटी कर देते हैं और यहां पे हम अमाउंट कर देते हैं, और हम अगले कॉलम में ये चीज को टाइप करेंगे। ठीक है, अब यहां पे मैं एक बटन क्रिएट करूंगा, इसमें सबमिट पे क्लिक करूंगा, तो मेरा डेटा वन बाय वन वन बाय वन यहाँ डेटा शीट में आ जाना चाहिए, और हर बार मुझे एक के नीचे इंची होनी चाहिए। तो इसके लिए हम बनाएंगे अपना माइक्रो। चलिए मॉड्यूल्स सब्जेक्ट, सबसे पहले प्रॉब्लम आती है आईडी क्रिएट करने की, हम आईडी कैसे क्रिएट करें। अच्छा, आप लोगों को पता चल गया करना क्या है? अजीम जी, रमेश जी, जाहिद जी, करना क्या जी है? पहले प्रॉब्लम को समझना जरूरी है। जी सर। अब हमारे पास प्रॉब्लम आती है आईडी क्रिएट करना, क्योंकि हमारी आईडी जो है वो होनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग डेटा शीट के अकॉर्डिंग। अगर डेटा पे यहाँ पे वन है तो अगली आईडी टू आना चाहिए, थ्री, ऐसे सिक्वेंसली आना चाहिए। तो इस केस में हमारे पास एक मैक्स का फॉर्मूला होता है, इक्वल मैक्स, और हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो क्या होता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है, और मैक्सिमम वैल्यू में प्लस वन कर देंगे तो मुझे हर बार अगली सिक्वेंस नंबर आएगा। देखिए, तो इसी मेथड को मैं यूज करूंगा अपने वीवीए कंसेप्ट में। बट प्रॉब्लम क्या है कि क्या वीवीए मैक्स को सपोर्ट करती है? जैसे हमने एम एस एक्स लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, नहीं है। क्यों? क्योंकि वीवीए सपोर्ट नहीं करता है। जैसे लेन फॉर्मूला सपोर्ट करता है तो एक्सप्रेशन आ जाता है, ऐसे आपका अगर लेफ्ट का लगाता हूं फॉर्मूला तो सपोर्ट यहां पे सपोर्ट करता है लेफ्ट फॉर्मूला, तो नीचे जो भी फॉर्मूला सपोर्ट करेगा एक्सेल का वो एक्सप्रेशन आ जाता है, बट लेफ्ट फॉर्म आपका मैक्स नहीं सपोर्ट करता है। तो मैक्स के लिए हम यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट वर्क्स फंक्शन का मेथड अपनाएंगे, जो मैंने बताया था आपको पिछली क्लासेस में, लेकिन वो स्टोर कहाँ करेगा? तो हम ऐसी एक वेरिएबल ले ली आईडी नाम से, जैसे एक्स वाई जेड आप मैथमेटिक्स में लेते हैं, तो हम यहाँ पे आईडी ले लिया, और मैं यहाँ पे लिखा एप्लीकेशन वर्कशीट फंक्शन मैक्स, तो हमने वहां से कॉल किया।
और यहां भी हम सीट का रेफरेंस देंगे सीट की कॉलिंग मेथड की जैसे डेटा डॉट रेंज और हम पूरा कॉलम लेना चाहते हैं तो पूरा कॉलम ले लेते हैं जैसे एक्सेल की फॉर्मूले में लेते हैं। ठीक है मैक्स क्या करेगा मैक्सिमम नंबर यहां निकाल के दे देगा। अब बात करते हैं कि हम टाइप कैसे करेंगे दूसरे शीट में। तो एक मिनट हम क्या करेंगे कि हम डेटा शीट में जाएंगे सबसे नीचे जाएंगे या A65000 पे जाएंगे और कंट्रोल के साथ अप एरो प्रेस करेंगे तो मेरी कर्सर ऊपर आ जाएगा और हम फिर एक नीचे आएंगे ऑफसेट की मदद से। तो यहां तक की चीजें तो मैं आपको लास्ट क्लास में समझा चुका था। कि कर्सर कैसे जाएगा मैं बताता हूं। मैं मतलब बताया था कि शीट में पहले रेंज बताया था शीट बाद लगाएंगे फिर आता आएगा नहीं रेंज A65000 या 10 लाख तो लास्ट में जाना है 65000 लोग तो 23 पे भी बढ़ते थे डॉट एंड एक्सेल इज अप डॉट एक्सलेस अब तक तो समझ में आ गया था। वो क्या करेगा कि आपके सबसे नीचे या A65000 पे जाएगा नीचे और फिर कंट्रोल के साथ हम यहाँ पे अप एरो करेंगे तो ऊपर आएगा ऊपर से एक रो नीचे लाने के लिए हम यूज करेंगे ऑफसेट को। तो ऑफसेट एक रो कॉलम जीरो डॉट वैल्यू इज इक्वल टू हमने दे दिया रेंज B3 डॉट वैल। लेकिन ये शीट का डेटा शीट्स में है क्योंकि दोनों एक ही आ गया तो यहां पे शीट्स में डेटा शीट लगाया तो ये डेटा शीट में जाया करना क्योंकि जब रन करते समय स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। रन करते समय जब हम माइक्रो रन करेंगे तो हमारी फॉर्म शीट एक्टिवेट होगी क्योंकि इसको हम बटन से रन कर रहे हैं तो बटन पे क्लिक करने के लिए फॉर्म शीट एक्टिवेट करना ही पड़ेगा। तो डेटा शीट में जाएगा रमेश जी समझ में आया जी सर। ये क्या करेगा कि सबसे पहले जाएगा डेटा शीट में जाएगा A65000 पे और 65000 पे जाने के बाद जो एक्सेल एंड हमने लगाया एंड एक्सेल अप किया वो कंट्रोल के साथ अप एरो यूज करेगा और सबसे लास्ट एंट्री पे आ जाएगा। फिर हमने ऑफसेट लगाया ऑफसेट लॉक कहाँ का काम होता है कर्सर को मूव करने का तो हमने बोला हुआ है 1,0 मतलब कि रो 1,0 कॉलम चेंज नहीं करेगा 1 रो है तो नीचे आएगा। तो ऑफसेट को समझ लीजिए
अगर आप यहाँ ये आपको अगर जहां पे कर्सर है वहां से अगर नीचे की तरफ रो चेंज करनी है तो वन करेंगे, कॉलम चेंज करनी है तो यहाँ पे कॉलम करेंगे, अगर आगे बढ़ाना है तो प्लस में, पीछे करना है तो माइनस में, तो प्लस माइनस दोनों चलता है। अब अगली इसकी को इसी कोड को हम कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं। अब अब की बार क्या हुआ कि यहाँ पे आईडी उसने डाल दिया हुआ है, आईडी डाल दिया। अब मैं नीचे से जब ऊपर जाऊंगा तो अब जहां आईडी डाला होगा वहीं पर कर्सर जाएगा। तो अब की बार मैं नीचे नहीं आना चाहता हूं, मैं आना चाहता हूं अगले कॉलम में डेट डालने। तो यहाँ पे रो हमारा जीरो हो जाएगा और कॉलम हमारा वन हो जाएगा। बी थ्री की जगह पे बी, सॉरी बी थ्री नहीं होगा, आईडी होगा ना, आईडी प्लस वन। और यहाँ पे डेट करना है तो डेट के लिए हो जाएगा डेट का फॉर्मूला, डेट डाल। और सेम हम इसी कोड को कॉपी करते हैं और नीचे पेस्ट करते हैं। तो मतलब कि अब इसने यहाँ पे डेट डाल दिया, तो अब मेरा कर्सर नीचे से ऊपर जाएगा। अब ऑफसेट को मैं बोलूंगा कि तुम वन टू, तो दो कॉलम आगे जाओ टाइम डालने के लिए। तो यहाँ कॉलम में टू हो जाएगा और टाइम। अब टाइम देखिए, टू डेट फॉर्मूला है आपका डेट के लिए, मेरे पास नाउ फॉर्मूला है डेट एंड टाइम के लिए, बट मुझे सिर्फ टाइम चाहिए। तो मैं यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि एक्सेल में ही अगर आप नाउ का फॉर्मूला लगा देते हैं, नाउ का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो इसमें मैं चाहे जी क्या हो गया था सर, वो सर पता नहीं सर, वो अपने आप से हो गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, लग रहा है आपका इंटरनेट उस समय कट गया था सर। HHMMSS हमने कर दिया, ये क्या करेगा इसमें से टाइम अलग करेगा। तो नाउ फॉर्मूला डेट एंड टाइम देता है, और टेक्स्ट फॉर्मूला में आप जो कस्टम फॉर्मेटिंग की कोड होती है उसकी मदद से इसमें से अपना टाइम को टाइम फॉर्मेट में अलग कर सकते हैं, टाइम को टाइम फॉर्मेट। सर बताओ एक बार, उसे बता रहा हूँ देख लीजिए। तो यहाँ पे हम देंगे फॉर्मूला फॉर्मेट का, क्योंकि टेक्स्ट फॉर्मूला फॉर्मेट का हो जाता है। टेक्स्ट फॉर्मूला जो है फॉर्म, टेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे फॉर्मेट हो जाता है, और मेथड बिल्कुल सेम है यहाँ पे /mm/ss, ये आपका आवर मिनट सेकेंड डाल दिया। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सबसे पहले तो मैक्स के फॉर्मूला लगा के डेटा शीट से हमने मैक्सिमम आईडी निकाल ली। फिर हमने क्या किया, हमने बोला कि एक्सेल एंड एक्सेल अप जाओ, ऑफसेट मतलब एक रो नीचे आओ लास्ट से, और उसमें हमने बोला कि आईडी प्लस वन डाल। फिर दूसरे बार में हमने बोला कि जब आईडी डल चुकी है तो नीचे से ऊपर जाएंगे, तो अब की बार मेरा कर्सर कहाँ जाएगा, आईडी पे डली हुई लास्ट आईडी पे। तो मैं बोला कि अब नीचे कर्सर नहीं आना है, आगे की तरफ आओ और उसमें डेट को डालो। इसलिए हमने क्या किया, रो को मैंने यहाँ पे जीरो कर दिया ऑफसेट में, एंड वन दे दिया, वन की वैल्यू इक्वल टू डेट कर दी। से अब डेट डल गई है, तो हमने अब बोला कि भाई टाइम डालना है हमें। तो हमने बोला कि हमारा कर्सर कैसे जाएगा, रेंज A65000.xls अप यहाँ पहुंचा, और हमने बोला डॉट ऑफसेट 0.2 देखिए 0.1.2 यहाँ पहुंचेगा और यहाँ पे टाइम डालेगा। अब मुझे नेम सिटी अमाउंट फॉर्म से लेके आना है, तो कोड बिल्कुल सेम रहेगा, यहाँ पे टू के जगह पे हमारा थ्री हो जाएगा, और यहाँ पे हम डालेंगे रेंज B3.value। हमने अभी यहाँ पे एक और बात आती है कि मैंने इसमें तो सीट्स डेटा लगाए हुए हैं, बट इसमें नहीं लगाया, इसमें ना लगाने का, लगा सकते हैं ना लगाने का पीछे रीजन ये है कि हम इस माइक्रो को बटन के थ्रू चलाएंगे, तो बटन पे क्लिक करने के लिए फॉर्म शीट को एक्टिवेट करना ही पड़ेगा, और फॉर्म शीट जब एक्टिवेट ही है तो उसका सीट नहीं देने का कोई जरूरत नहीं है।
बट आप चाहो तो दे सकते हो, या फिर आपका डेटा दूसरे फाइल में भेजना है तो आपको देना ही पड़ेगा। तो ये आ गया आपका नेम, ये आ गया आपका, ओके, ये आपका आ गया नेम के जगह पे सिटी, और सिटी के लिए हमारा हो जाएगा बी फाइव एंड ये आपका हो जाएगा बी सेवन के लिए। अब सब कुछ डल गया, तो बटन पे क्लिक करने के बाद मेरा ये जो यहाँ पे जो टाइप होगा उसको क्लियर भी करना है। तो कल मैंने बताया था मल्टीपल सेल सिलेक्शन के लिए जो कंट्रोल के साथ करते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रेंज बी थ्री कॉमा बी फाइव कॉमा बी सेवन, एक साथ तीनों दे दिया और बोला क्लियर कंटेन, मतलब कि उसकी कंटेन को क्लियर कर दो, डिलीट कर दो। और फिर हम एम एस जी बॉक्स लगाते हैं कंफर्मेशन के लिए, डेटा ए। अब इस माइक्रो को हम असाइन करते हैं एक बटन को, बटन को सिलेक्ट किया और हमने सिलेक्ट किया सेंड एंड ओके, और यहां पे हमने दे दिया सेंड। अब मैं यहां पे देता हूं कि पूजा सिटी में पुणे, और अमाउंट हम दे देते हैं 2541 और सेंड पे डेटा है सेव्ड, और मेरा डेटा यहां आ गया, नीचे आ गया क्योंकि इसमें ऑलरेडी डला हुआ था इसलिए नीचे चला गया है सर। अब इस कोड को आप तीनों आदमी पढ़िए, पढ़ने के बाद समझने की कोशिश कीजिए, उस तरह समझिए जब फर्स्ट टाइम इंग्लिश पढ़ते थे आप, और थोड़ा बहुत इंग्लिश थोड़ा बहुत नहीं आता था। बताइए क्या डाउट है इसमें, अजीम जी रमेश जी कोई डाउट? हेलो, हाँ बोलिए। सर जो ये मैक्सिमम नंबर है, अगर सर मान लो सर अगर बीच में गैप हुआ तो उसमें कंडीशन, तो ये लेयर नंबर ही है। कौन सा गैप होगा? जैसे मान लो हमने हमने एक से पांच तक की एंट्री की नीचे, और ये जो मैक्सिमम नंबर है मुझे एक रो में गैप वो करना है, अगर एक रो में अगर मैं गैप करता हूँ तो सात से एंट्री होती है स्टार्ट, तो ये बीच जो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैक्सिमम में गैप होगा तो पूरी कॉलम को पकड़ेगा ना सर, पूरा कॉलम पकड़ रहा है ना ये भाई ये। ओके, और दूसरी चीज है कि ये डेटा एंट्री हो रहा है, ये हुआ हुआ डेटा एंट्री थोड़ी है जो गैप रहेगा। ओके, ये जो आप बोल रहे हैं डेटा शीट जो हमारा है, ये डेटा शीट किसके लिए? इस फॉर्म के लिए है ना। ओके, ये फॉर्म तो ये फॉर्म फिक्स है, वन बाई वन वन बाई एंट्री करेगा, गैप क्यों करेगा? ये फॉर्म फॉर्म में गैप करने का सिस्टम था ही नहीं। ठीक ठीक है, दिक्कत वहां ऊपर होती है जब पहले से कोई डेटा है उसके उसके ऊपर कुछ कर रहे हैं, तो जैसे फॉर्म रिटीव करने के लिए मुझे फॉर्म को रिटीव करना है इस पे, तो उस समय देखा जाएगा। और तो मैं एक बार ओवरव्यू देता हूं फिर से क्लास का। बेसिकली हमें करना क्या है, हमें करना है कि हम जो भी यहाँ पे फिल करें सबमिट करें और डेटा शीट में एक के नीचे आता चला जाए। तो डेटा शीट में सिर्फ नेम ही और सिटी और अमाउंट में, उसके साथ आईडी एक जनरेट कर दे, किस डेट को एंट्री हुई है और किस टाइम पे एंट्री हुई है वो भी दिखा दे। तो तीन कॉलम हमने एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो सबसे पहले आईडी हमने यहाँ पे डेटा बना लिया, आईडी जनरेट करने के लिए हमने मैक्सिमम का फॉर्मूला लगाया। ये क्या कर रहा है, एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट मैक्स, ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैक्स डायरेक्ट सपोर्ट नहीं कर रहा, इसलिए हमने फंक्शन लाइब्रेरी से कॉल किया।
और फिर हमने दिया रेंज की सीट, डेटा सीट की पूरी कॉलम ए का रेंज। तो कॉलम ए में जो भी नंबर होगा उसकी मैक्सिमम नंबर हमारी आईडी पे स्टोर हो जाएगा। आईडी क्या है? एक टेम्पररी सेविंग लोकेशन हमने जनरेट किया, जैसे आप मैथमेटिक्स में एक्स वाई जेड एबीसीडी लेते थे। फिर हमने बोला डेटा शीट पे जाओ, ए 65,000 पे जाओ। ए 65,000 की जगह पे आप 1,000,000 भी कर सकते थे, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि हमारी जो पुराने वर्जन की फाइल है डॉट एक्सेल उस पर भी कोड वर्क कर जाए। बट आप अपने रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, 1,000,000 भी कर सकते हो। डॉट एंड एक्सेल अप, ये एक कोड क्या करता है इसके बारे में हमने आपको कल की क्लास में समझाया था कि एक कर्सर को मूव करता है एंड तक। जो हम जैसे हम कंट्रोल पेस्ट डाउन एरो अप एरो यूज करते हैं राइट लेफ्ट, एंड उसी में काम करता है। तो एक्सेलेस अप मतलब अप एरो। तो 65,000 से अप एरो हम जब ऊपर करेंगे जितने ब्लैंक सेल्स है उसको पार करते हुए मेरा कर्सर वहां पे पहुंचेगा जहां पे मेरा लास्ट एंट्री है। लेकिन मुझे लास्ट एंट्री को ओवरराइट नहीं करनी है, मुझे लास्ट एंट्री के नीचे वाले जो ब्लैंक सेल है उस पे टाइप करनी है। उसके लिए हमारे पास ऑफसेट है जो कि कर्सर को कहीं भी मूव कर सकते हो, जहां से कर्सर है वहां से मूव कर सकते हो। तो हमने बोला कि जो एक्सेलेस अप जहां पहुंचेगा वहां से कर्सर को एक रो नीचे लाओ और उस पर लाने के बाद आईडी लिख दो। तो मतलब कि कॉलन ए में की लास्ट सेल आईडी हो जाएगी। तो अगली बार हमने सेम फीचर को अपनाया, बस हमने ऑफसेट को बोला कि रो नीचे मत लाओ आगे जाओ, क्योंकि नीचे क्यों लाएंगे, क्योंकि हमारी जो आईडी टाइप हुई है उसी के आगे सब कुछ टाइप करना है। तो हमने उसकी अगली कॉलम पे गया, डेट डाल दिया, उसकी अगली की अगले कॉलम पे गए हम, इस पर टाइम डाल दिया। बट टाइम में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है क्योंकि हमारे पास डेट का फॉर्मूला है, नाउ का फॉर्मूला है। डेट डेट देता है और नाउ डेट एंड टाइम देता है। मुझे सिर्फ टाइम चाहिए क्योंकि मैं डेट डाल चुका हूं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, फॉर्मेट फॉर्मूला लगाया ताकि इस नाउ फॉर्मूला को डेट एंड टाइम से सिर्फ टाइम को टाइम फॉर्मेट में अलग करेगा। अगर आप डेट एंड टाइम दोनों एक ही सेल में डालना चाहते हो तो फिर आपको इस लाइन की जरूरत नहीं है, डेट के जगह पे नाउ लिख दे चल जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे इस चीज को बताने के लिए आपको दिया। उसके बाद हमने बोला कि भाई जहां नाउ आईडी से तीन रो आगे जाओ। अब तीन रो तीन कॉलम, यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये तीन कॉलम ऑफसेट का नॉर्मली चार कॉलम होता है क्योंकि ऑफसेट जीरो से काउंट करता है। आप देख रहे होंगे जीरो से काउंट करता है, जीरो दिया हमने, तो 0, 1, 2, 3 मतलब चार हो गए। तो डॉट वैल्यू इक्वल टू रेंज B3। अब यहाँ पे हमने सीट का रेफरेंस दिया हुआ है बट यहाँ पे सीट का रेफरेंस नहीं दिया हुआ है। तो सीट का रेफरेंस ना देने का रीजन था, ऐसे दे सकता था क्योंकि जब हमारा मैक्रो रन होगा तो हमारी फॉर्म शीट ही एक्टिवेट होगी। तो मुझे फॉर्म शीट एक्टिवेट है तो फिर हमें सीट रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, ऐसे आप दे सकते हैं। और B3, B5, B7 का वैल्यू इसी तरह से एक आपको फुट करता चला जाएगा अपने कॉलम के अकॉर्डिंग। उसके बाद जितने भी एंट्री किया गया है मतलब कि फॉर्म शीट को नेक्स्ट फिल करने के लिए फॉर्म को क्लीन करना होगा, तो हमने यहाँ पे फॉर्म को क्लीन कर दिया। और फिर हमने यहाँ पे मैसेज बॉक्स के जरिए हमने एक एक इन्फॉर्मेशन डाल दी कि कैसे, क्योंकि यहाँ अगर ए मैक्रो चल गया इसका मतलब है कि इसके ऊपर वाले सारे कोड। डाउट इसमें? नहीं सर। ओके, ये फाइल मैं आपको भेज रहा हूँ, इस फाइल को रेफरेंस में लीजिए और मुझे एक फॉर्म बना के जो नॉर्मल फॉर्म होता है, जैसे कि आपकी ज्वाइनिंग फॉर्म होती है, गूगल की फॉर्म होती है, बहुत सारे फॉर्म आप दिन भर में कोई ना कोई फॉर्म तो भरते ही होंगे ना सर? जी जी सर। तो मुझे उसमें से एक फॉर्म, उसी तरह का एक फॉर्म बना के दीजिए, ठीक है? क्योंकि ये तो मैंने सिंपल बताया ना कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, लेकिन एक रियल फॉर्म बनाइए इसी मेथड को लेते हुए ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपने इस मेथड को समझा, नहीं तो फिर वहां पे आप फंसेंगे, जहां दिक्कत होगी वहां हम आपको सपोर्ट करेंगे। जी सर। जय जी, आपकी मेल आईडी क्या है? सर जेड खान 653। क्या बोले? जेड खान 653। अच्छा जेड खान आ गया। और सिद्दीकी जी है तदीन। ये तो भेजा था हमने।
अगर डबल ए अजमशित के लिए आपने क्लास को रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने बोला था रिकॉर्ड करने के लिए, जब आपने रिकॉर्ड नहीं किया, चलिए मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, लेकिन कल से ध्यान रखिएगा। सर मेरे पास ही भेजना है इसकी रिकॉर्डिंग। ठीक, अभी 10 मिनट में आपको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। जी सर। ओके, थैंक यू सर। ओके सर।